दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं चैनल हैप्पी सिंह। मैंने कुछ चीज़ों से अपनी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा प्लस टू का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए मैं थोड़ी टेंशन में था। पर आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूं। ये देखिए, ये अभी मैं खेल रहा हूं वाइस सिटी। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको पेट्रोल ब्रेड के खाने पीने के बारे में बताऊँगा, बट आज मेरी मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप पेट्रोल ब्रीड को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। पेट्रोल ब्रीड एक ऐसी ब्रीड होती है जिसको कि आप किसी भी और को जल्द से जल्द लगा सकते हैं। वो शिकार को बहुत जल्दी लग जाते हैं, फाइटिंग को बहुत जल्दी लग जाते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि वो बहुत जल्दी सीख जाती हैं। यही एक ब्रीड है। वैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 साल तक जीती है, बट अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल भी जी जाती है। इसके खाने पीने में आप इनको ज़्यादा फास्ट फूड ना दें, इनको सिर्फ दूध के साथ रोटी ही दें, जो कि इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक और पैटेगरी का जो छोटा पाउच होता है 20 रुपये वाला, वो दे करें। इनसे इनकी सेहत भी बनी रहती है। बट मैं सभी मुझसे ये पूछते हैं कि तुम अपने पेटबुल को क्या ब्रीड देते हो, तो मैं उनके खान पान में यही बताता हूँ कि ये मैं इनको सिर्फ दूध और रोटी देता हूँ, और हाफ हफ्ते में एक बार सर्दी में पैटेगरी देता हूँ। और ये यही बात है, क्योंकि इसको ज़्यादा मुझे मैंने इसको ना ही मीट को लगाया है, ना ही मतलब ये एक तरह का शुद्ध शाकाहारी है, क्योंकि इसको अब ऐसी एक चीज़ बन गई है कि अगर ये मीट मछली कुछ भी खाता है तो इसको जल्द से जल्द उल्टी लग जाती है और ये बीमार पड़ जाता है। ये ऐसी इसमें अब एक टेक्निक सी हो गई है, इसलिए अभी मैं कभी इसको मीट नहीं देता। आप मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कि मैंने अपने पेटबुल को अपने साथ में बिठाया हुआ था, और मैंने फेस टू फेस बताया था कि मैं अगली वीडियो में आपको पेटबुल के बारे में ही बताऊँगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ पेटबुल के बारे में। इनके जो अगर आपने ये ब्रीड छोटी ली है, मान लीजिए आपने 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ले ली, तो जल्द से जल्द उसके कान कटवा दें, क्योंकि पेटबुल ब्रीड तभी ही अच्छी लगती है जब उनके कान अच्छी तरह से कटे हों। मैंने अपनी ब्रीड के बहुत अच्छी तरह से कान नहीं कटाए हैं, इसके थोड़े तीखे से हैं ऊपर से कान, जिसके लिए ये शिकार को बिल्कुल नहीं लग सकता। मैंने इसको कोई किसी चीज़ के लिए नहीं लाया है, ये सिर्फ घर में शो के लिए है। हमारे आंट गुआंढ को पता है कि इन्होंने पेट्रोल रखा है, बट ये साला डग है एक तरह का। वो भी मेरी ही बदौलत, क्योंकि मैंने इसको ऐसी मतलब टेक्निक बना के रखी है कि ये इस तरह का बन गया है। ये बहुत ही सिंपल बन गया है। कोई नहीं कहता कि ये पेट्रोल ब्रीड है, सब इसको मतलब कोई और ब्रीड कह रहे हैं, बट मैं सच में बता रहा हूँ ये आपको पेट्रोल ब्रीड है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने के लिए मांगती है। आपने पेट्रोल ब्रीड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, जो कि जिसको कि आप अच्छी तरह से जानती है। कई लोगों ने हमारे पिंडों में पेट्रोल ब्रीड रखी है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि पेट्रोल ब्रीड शहरों में बैन है, कई बार रेड भी पड़ सकती है, आपके घर पर रेड पड़ सकती है या कहीं और भी रेड पड़ सकती है, बट पिंडों में जो लोगों ने फिर भी पाल रखे हैं। ये ब्रीड एक बैन लगा हुआ है इस ब्रीड पर। ये ब्रीड होगी और 2-4 और ब्रीड होगी, ये बैन लगे हैं इंडिया में, पर फिर भी हमारे पिंडों में ये लोग पालते हैं। बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं इस पर 3-4 वीडियो तो बनाऊँगा ही। मैं आपको अगली वीडियो में शो कराऊँगा कि आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अलविदा दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।